संगीत नाटक एकेडमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संध्या पुरेजा। अभी थोड़ी देर पहले धनबाद के रुआम गांव में पहुंची थी और यह गांव जो है गीतकार विनय तिवारी का है, यहीं पर इनका घर है और साथ में कई कलाकार आपको नजर आ रहे हैं सामने में, मनोज देहाती हैं और साथ में अन्य लोग हैं। आपको बता दें कि यह गाँव उनको इसलिए आना पड़ा क्योंकि कहीं ना कहीं लेखन के क्षेत्र में, खोरठा लेखन के क्षेत्र में लोगों ने ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया, खोरठा गायन के क्षेत्र में ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया जिसकी पहुंच, जिसकी गूंज जो है वह दिल्ली तक पहुंची। और दिल्ली तक पहुंचने के बाद आज कैसी अनुभूति हुई इनको यहाँ पर देखने के बाद? सीधे इनसे रूबरू होते हैं विनय तिवारी जी, बताइए कैसा लग रहा है आज? सबसे पहले न्यूज 20 वाइस्को को हार्दिक दिल से धन्यवाद। आप लोग को चैनल के माध्यम से हमारे लाखों लोग देख रहे हैं हमारी आवाज़ को, और हमारे भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के संगीत नाटक एकेडमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरेजा जी, पूरे टीम को लेकर संजय चौधरी जी और गुंडीचा बंधु जो ध्रुपद में पूरे विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हैं, हमारे नंदलाल नाइक जी और पटनायक जी जो उड़ीसा से चलकर आए हैं, दिल्ली से चलकर आए हैं, सारे लोग संगीत अकादमी के लोग आए हैं। उन लोगों का कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बोकारो में चल रहा है और उस कार्यक्रम के तहत एक कार्यक्रम है मीट टू आर्टिस्ट, यानी जिस जगह में हम जा रहे हैं, जिस प्रदेश में हम जा रहे हैं, उस प्रदेश के जो लोकगीत हैं, लोक कलाकार हैं, लोक गीतकार हैं, लोक गायक हैं, उनकी जो समस्या है उनके बारे में, उनको हम कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर उनको कैसे स्थान दे पाएँ, उनको फलक तक लाने में हमारा एकेडमी मदद करेगा। उन लोग आज इतने अच्छे अच्छे गाना लिख रहे हैं, इतने इतने अच्छे गाना गा रहे हैं, इसके बावजूद भी जो मुकाम मिलना चाहिए वो मुकाम खोरठा को नहीं मिला है। लगभग 2.5 दशक से आप लोग इस कार्य में, पुनीत कार्य में लगे हुए जी, हैं जी जी जी, अविभाजित बिहार के समय से जी खोरठा को संवर्धित करने में, उसे आगे ले जाने में लगे हुए हैं जी। कितनी सफलता मिली है अभी तक? देखिए, हम लोग जब स्टार्ट किए इस खोरठा गीत संगीत को, हमारे बड़े भाई हमारे साथ हैं, मनोज, झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम, झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम, वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क हजाम रांची। और हम गीतकार में विनय तिवारी, एक बहुत अहम योगदान हमारे मनोज देहाती और गौतम महतो का रहा इस गीत संगीत को स्थापित करने में, प्रचार प्रसार करने में। आई सच बोलिए तो एक नेम के सिवा, एक पहचान के सिवा गौतम और मनोज देहाती और विनय तिवारी के पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग ने पूरा अपना जीवन और जीवन खोरठा गीत संगीत को संरक्षण, समर्थन और विकास करने में लगाया है और खुशी है कि आज उसी का ये परिणाम है। 2 दशक 2.5 दशक का परिणाम है, मेहनत का परिणाम है कि हमारी राष्ट्रीय स्तर के संगीत नाटक एकेडमी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो डॉक्टर संध्या पुरेजा जी पूरे टीम के साथ आज हमारी यहाँ आए, एक बात हम लोग को सुना देखा। एक चीज़ और बताइए कि अभी खोरठा के बारे में आपने बताया जी, आपने लेखन में काम किया, उन्होंने गायन में काम किया जी, तो सबसे बेहतर अब तक का जो आपका खोरठा का जो लेखन रहा है, उस कौन से कविता को, कौन से गीत को आप मानते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में सफल रहे? देखिए, कोई भी बाप जो होता है अपना सब बेटा उसके लिए प्यारा होता है। बिल्कुल, मेरा बहुत सारे सिंगरों ने मेरा गाना गाया है। सबसे पहले लेकिन सबसे पहले और सबसे अधिक और सबसे हिट और सबसे मेरा लोकप्रिय, मेरा पसंदीदा गायक है मनोज देहाती जी जो मेरे सामने हैं, और इनका ये एक गाना था जो पी सीरीज वाले हम लोग को बोला था कि तिवारी जी ये जो आपका कैसेट है पागल बना है, ये हम लोग फॉरेन में भी बेच रहे हैं। और सच पूछे तो झारखंडी जो भाषा हम लोग को कोठा भाषा है, तो पहले कुछ जो इसके पहले कैसे रही वो झारखंड तक ही सीमित रही, लेकिन इनका जो भाषा था, इनका जो शब्दों का प्रयोग था इस गीत में, और हमारे मनोज दा का जो इनका स्वर जो था, जो लय था, जो गायकी का जो अंदाज था, वो एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में कामयाब हुआ। वो गाना था कि हमका पागल बनाए दिल, दो शब्द आप भी गुनगुनाने ये हमारे गायक जी हैं, इनसे सुन लीजिए अच्छा रहेगा। और बिल्कुल मनोज जी सामने है, मनोज देहाती जी ये बताइए, न सिर्फ धनबाद और झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में बल्कि बिहार के वैसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर लोग भोजपुरी और मैथिली अंगिका के अलावा दूसरा शब्द नहीं जानते हैं, बावजूद आपके गीत वहाँ पर तहलका मचाते हैं, शादी विवाह में गाए जाते हैं, तो वो शब्द हमारे दर्शकों को जरूर सुनाइए। सबसे पहले तो आप सबको को प्यार भरा नमस्कार। तो मैंने बीच में वो गीत आ ही रहे,
अरे अखिया ते अखिया है अपन मिलाई के अखिया ते अखिया, अरे अखिया ते अखिया है अपन मिलाई के पागल बनाई दे लेंगे हमका, कि हमका पागल बनाई दे ले तो हमका पागल बनाई दे ले गजब तो लड़की गे तेरी जवाही लाई दे तो हमका पागल बनाई दे ले ऐसे ही कुछ है। अच्छा एक चीज और, क्योंकि एक गाना कहीं ना कहीं आपको मॉरिशस तक ले गया, सिंगापुर ले गया, और उसके बाद जब टी सीरीज वालों ने आपको कहा तो कैसे अनुभूति हुई थी उस वक्त, और एक लोक कलाकार के रूप में आपने अपने आप को कैसा देखना प्रारंभ किया? खाली हम तो जहीं के तहीं रहे, गीत ऊपर पहुंच गया, शायद भाषा के खींचातानी की वजह से, अपनों के खींचातानी की वजह से, या कैसे, या फिर कंपनी ना चाहती थी कि कलाकारों को दें, अगर देंगे तो फिर वही भोजपुरी स्टाइल में होगा लोगों का, और क्या है नहीं है माजरा मैं नहीं समझ जानता। भोजपुरी में तो अश्लीलता बहुत बढ़ गई, लेकिन खोटा को अभी भी आप लोगों ने बचा कर रखा। कोशिश करेंगे बचा के ही रखें, अगर लोग वैसे तो चाह रहे हैं उसको उठाएं, लेकिन अभी तक हम लोग ढक के रखे हुए हैं और चाहेंगे कि मरते दम तक ढक के ही रखें। ढक के रखने के बाद जो मज़ा मिलता है वो मज़ा आता है। इन दिनों जयराम महतो एक यूथ लीडर बने हुए हैं, काफ़ी युवा उन्हें पसंद कर रहे हैं, अब तो चुनाव लड़ने की बातें होने लगी हैं, और हर जगह पर यह कहा जाता है कि झारखंडी चाहे वो भाषा हो, चाहे वो गायन हो, या फिर जो पढ़ाई हो, इन तमाम चीज़ों को प्रमोट करने के लिए अब आंदोलन की आवश्यकता है। आपको क्या लगता है कलाकारों को भी इस तरह के आंदोलन में शामिल होने की आवश्यकता है? आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए तो खैर हम लोग को तो आवश्यकता है ही, लेकिन जो जयराम जी का आप नाम बोल रहे हैं, अगर भाई साहब चाहते तो सबको मिला के चलते, उनका गुडविल कुछ और रहता, लेकिन वो चाह रहे हैं कि अपने आप को अगर सर्विस सर्वा समझें कि जो है सो हम ही हैं, तो खैर ये उनका बड़प्पन है, हम लोग उनके साथ हैं चलिए, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो पुराने झारखंड आंदोलनकारी उनको भी साथ लेकर चले। अरे आपका तो सब कोई है, ये मेरा भी दस गो है, उनको भी समेट लीजिए गुरु, और क्या हम यही बोलेंगे। एक गाना और हमारे दर्शकों के लिए जो आपको सबसे प्रिय हो और लोगों में कुछ जन जागरण करने का काम करे अपनी माटी के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति। धरती माँ गेली राज आज से खातिर धनबाद में आज, धरती मह गेली राज से खातिर धनबाद में आज, झरझर कांदा खड़ा पारसना, झरझर कांदा खड़ा पारसना, के कर दाए झारखंड कांदया, हाँ के कर दाए झारखंड कांदया, भारत माता के दिल धनबाद जन यापन झारखंड, कते सुंदर सोनक झारखंड राज, भारत माता के दिल धनबाद जन यापन झारखंड, कते सुंदर सोनक झारखंड राज, के थी के दुखे भाई झारखंड कांदयाज, के थी के दुखे भाई झारखंड कांदयाज, ए तो भाई बुझा भेलै दाय, ए तो भाई बुझा भेलै दाय, के थी की दुखे झारखंड कांदयाज, हाँ कहती कि दुखे झारखंड कांदया। तो ये मनोज देहाती जी के स्वर थे, अब दो शब्द किसी गीतकार हैं, और कुछ इतनी सारी गीतों को आपने 500 से अधिक गीतें आपकी डी सीरीज पर लॉन्च हो गई और इतने सारे गीतों को गाया है, तो दो शब्द आप भी गुण जाएंगे जो आपको सबसे प्रिय है। देखिए अभी हमारी एक फिल्म आ रही है झारखंड एक माटी, और वो फिल्म में मैंने पटकथा लिखी है और गीत भी मैंने ही लिखी, जिसको हमारे बॉलीवुड के सिंगर कुमार सानू रोहित नारायण जी ने अपना आवाज़ दिया है, क्योंकि वो प्रोड्यूसर का डिमांड था कि भाई हम उन लोग को गवाएं, उन लोग को एक शौक़ था कि फिल्म आने के पीछे की मेरा एक दिली इच्छा है, तो उसमें जो हमने झारखंड के बंधन एक गाना लिखा है, उम्मीद है वो गाने
लोगों को पसंद आएगा। दो शब्द उसी का गुनगुनाकर सुनिए। हमर हीरा ना हमर हीरा नाहरपुर हमर छोटा नाहरपुर हमर हीरा नाहरपुर हमर छोटा नाहरपुर हीरा मोती से तल हियाँ माटी के तरे भरपूर माटी के तरे भरपूर बीर बीर सा सिधु कानुक हिये जन्म थान बीर बीर सा सिधु कानुक हिये जन्म थान झारखंड के माटी दादा माए के समान रे माए के समान। तो आपने सुना कि ऐसा रस ऐसी भावना और ऐसा दिल को छू लेने वाला स्वर संवाद और शब्द आपको यहीं मिलेगा वाम में जो धनबाद में है। मनोज देहाती जी ने हमने सुनाया, विनय जी ने भी सुनाया। तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में कोरठा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों की जुबान बने, हम यही चाहेंगे, और इसका श्रेय जो है स्थानीय कलाकारों को जाए, यह समय की मांग है। सहयोगी सूरज के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज 22 को धन्यवाद। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह खाड़े में कूदे और कोई तो उसको ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।